भर के 1600 एथलीट ने इनमें कम्पीट किया। इससे भारत में बीच गेम्स और स्पोर्ट्स टूरिज्म का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। इससे हमारी कोस्टल सिटीज को बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, हमारे यंग एथलीट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले और भारत ग्लोबल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का अहम केंद्र बने, ये हमारा संकल्प है। इसलिए हम 2029 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में कराने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। मैंने आने वाले 5 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। इस गारंटी में स्पोर्ट्स इकोनॉमी की हिस्सेदारी भी बढ़े, यह हमारा प्रयास है। इसलिए बीते 10 वर्षों से हम स्पोर्ट्स से जुड़े अन्य सेक्टर्स का भी विकास कर रहे हैं। आज देश में स्पोर्ट्स से जुड़े प्रोफेशनल तैयार करने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से जुड़ा इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं। देश में स्पोर्ट्स साइंस, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स कोचिंग, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, इससे जुड़े प्रोफेशनल्स को हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बीते वर्षों में देश को पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिली। आज खेलो इंडिया अभियान से देश की 300 से ज्यादा प्रतिष्ठित एकेडमीज बन चुकी है। 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स और 30 से ज्यादा सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस जुड़े हुए हैं। देश की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने स्पोर्ट्स को मुख्य कैरिकुलम का हिस्सा बनाया है। इसे स्पोर्ट्स को एक करियर के रूप में चुनने का एक जागरूकता बचपन में ही आ रही है। साथियों, एक अनुमान है कि आने वाले कुछ सालों में ही भारत की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। इसका सीधा लाभ हमारे युवा साथियों को होगा। बीते वर्षों में स्पोर्ट्स को लेकर जो ये जागरूकता देश में आई है, इसे ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स टूरिज्म और स्पोर्ट्स अपैरल जैसे बिजनेस में तेजी से वृद्धि हो रही है। हमारा प्रयास है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत आत्मनिर्भर बने। आज हम 300 प्रकार के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इससे जुड़े मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण हो। साथियों, खेलो इंडिया अभियान के तहत देश भर में जो स्पोर्ट्स इंफ्रा बन रहा है, वो भी रोजगार का बड़ा माध्यम बन रहा है। आज अलग अलग स्पोर्ट्स से जुड़ी लीग्स भी तेजी से बढ़ रही है। इससे भी सैकड़ों नए रोजगार बन रहे हैं। यानी आज हमारे जो युवा स्कूल कॉलेज में है, जो स्पोर्ट्स रिलेटेड सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनका बेहतर फ्यूचर, ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, आज सिर्फ खेल ही नहीं, हर सेक्टर में भारत का डंका बज रहा। नया भारत पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करने, नया गढ़ने, नया रचने और नए कीर्तिमान बनाने चल पड़ा है। मुझे यकीन है
अपने युवाओं के सामर्थ्य पर, उनके जीतने की ललक पर मुझे भरोसा है, आपके दृढ़ निश्चय और मानसिक शक्ति पर आज के भारत में बड़े लक्ष्य तय करने और उसे हासिल करने की क्षमता है। कोई रिकॉर्ड इतना बड़ा नहीं कि हम उसे तोड़ ना सके। इस वर्ष हम नए रिकॉर्ड बनाएंगे, खुद के लिए और दुनिया के लिए नई लकीर खींचेंगे। आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके साथ भारत आगे बढ़ेगा। जुड़ जाइए, खुद जीतिए और देश को जिताइए। एक बार फिर सभी एथलीट्स को अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आई डिक्लेयर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 ओपन।